गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज दोपहर को उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर गर्भगृह के बाहर से ही पूजन अर्चन किया। दरअसल 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक गर्भगृह में प्रवेश बंद है, इसी के चलते उन्होंने गर्भगृह के बाहर से ही भगवान का पूजन अर्चन किया और उनका आशीर्वाद लिया। गृह मंत्री के साथ पहुंच कार्यकर्ताओं ने गर्भगृह तक जाने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड के साथ काफी हुज्जत की। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ताओं को गर्भगृह के सामने से हटाया गया। इस दौरान मौके पर मंदिर प्रशासन भी थे। मीडिया से चर्चा के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, प्रदेश में सुख और शांति समृद्धि बनी रहे, यही प्रार्थना की है। कांग्रेस भाजपा के लोगों के कथा में शामिल होने पर लगे आरोप पर कहा कि अच्छा ही काम कर रहे हैं जो कथा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस को कथा में शामिल होने से आपत्ति है, भगवान की भक्ति करने से आपत्ति है। कांग्रेस द्वारा प्रदीप मिश्रा की कथा से कटआउट हटाए जाने पर आरोप लगाया है कि भाजपा ने कथा पर कब्जा कर लिया है। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि किसी संत पर कोई कब्जा कर सकता है क्या? वही कमलनाथ की उम्र पर बयान देते हुए कहा कि कमलनाथ को भी लगता है कि कमलनाथ अब बिना सहारे के उठ बैठ नहीं पाते हैं। इससे तो यही प्रतीत होता है कि उनकी उम्र हो चुकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा महाकाल दर्शन करने के बाद कथा वाचक प्रदीप मिश्रा की बड़नगर रोड पर हो रही कथा में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने व्यास पीठ का पूजन कर कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद लिया। इसलिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, बाबा की कृपा प्रदेश में बनी रहे, सुख शांति समृद्धि सभी को मिले, ये प्रार्थना की। अब कथा में जा रहा हूँ, अच्छे ही काम कर रहे हैं ना सर कथा वाचक करने, या उनको आपत्ति है कथाओं से? भगवान से आपत्ति है? कांग्रेस किसी संत पर कभी कोई कब्जा करता है क्या? शब्द ही गलत प्रयोग कर लिया है उनने शायद। नहीं नहीं, कोई बम से नहीं उड़ाएगा, पूरी तरह से प्रशासन शासन सभी है और चिंता की कोई बात नहीं है, वैसे संज्ञान में है। जेल का एक मंत्री है, महाराष्ट्र सरकार के अंदर हुआ है वो, मैं तो समझ नहीं पाया हूँ कि उसका कारण क्या है, जानकारी और डिटेल लूंगा। उज्जैन से अर्पित बोड़ाना की ये रिपोर्ट।